और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है। अजय राय ने साफ किया है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रियंका गांधी के मसले पर उन्होंने कहा कि प्रियंका जो कहेंगी वही होगा, प्रियंका तय कर सकती हैं कि वो कहां से चुनाव लड़े। लेकिन अजय राय का बड़ा बयान राहुल गांधी के मसले पर आया है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव। लगातार संशय इस बात को लेकर बना हुआ है कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। अजय राय ने स्मृति ईरानी पर भी हमला बोला है। अजय राय ने कहा है कि स्मृति ईरानी से अब लोग परेशान हो चुके हैं और स्मृति ईरानी ये बताएं कि आखिर 13 रुपए किलो चीनी कहां मिल रही है। महंगाई से लोग परेशान है, यानी मुद्दा भी कांग्रेस ने काफी हद तक क्लियर कर दिया है। अजय राय के इस बयान से साफ है कि इस बार पूरे दमखम से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर तौर पर अभी भी इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। तो उन तमाम अटकलों को थोड़ा विराम अजय राय के इस बयान से जरूर मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रियंका गांधी जो कहेंगी हम उनका समर्थन करेंगे। प्रियंका गांधी के मसले पर भी अजय राय से सवाल किया गया था कि क्या प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं। तो उस पर अजय राय ने स्पष्ट किया कि वो जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अजय राय के इस ताजा बयान से ये बहुत हद तक स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती से और पूरे दमखम के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को शिकस्त दी थी स्मृति ईरानी ने अमेठी से। और इस वक्त हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, अजय राय के इस ताजा बयान से क्या लग रहा है, कांग्रेस मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में है? अशोक आपके पास आए एक बार, उससे पहले अजय राय का बयान सुन लेते हैं कि अजय राय ने क्या कहा है। लड़ेंगे अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ देगा। स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं, 13 रुपया किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई। उनसे पूछिए 13 रुपया किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए और 13 रुपया का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दे। हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। और इस वक्त अशोक तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, हमने संसद में देखा था राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी, तो क्या अजय राय के बयान से इसे कांग्रेस का पलटवार समझा जाए? अशोक से संपर्क दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर से बताएं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बयान दिया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि अजय राय ने क्या कहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं, 13 रुपया किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई। उनसे पूछिए 13 रुपया किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए और 13 रुपया का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दे। हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, साफ तौर पर अजय राय का ये बड़ा बयान इस वक्त देखा जा रहा है। इसे राजनीतिक हलकों में इसे एक बड़े बयान के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इस बात को लेकर लगातार संशय बना हुआ था कि आखिर क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनावों में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराया था और उसके बाद लगातार स्मृति ईरानी का हमला राहुल गांधी पर देखा जा रहा था, अभी संसद के दौरान भी राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी देखा गया था। और
अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर इसे इस लिहाज से देखा जाएगा कि कांग्रेस ना सिर्फ पूरे दमखम से बल्कि पूरी मजबूती से इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। ये एक बड़ा पलटवार भी है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार ये कह रही थी कि अमेठी को पूरी तरीके से कांग्रेस ने दरकिनार किया है, अब अजय राय के बयान से साफ हो गया है। और जिस तरीके से वो स्मृति ईरानी पर भी निशाना साध रहे हैं, उनका कहना है कि अमेठी की जनता अब स्मृति ईरानी से परेशान हो गई है। अजय राय ने स्मृति ईरानी से भी सवाल पूछा है। अजय राय का कहना है कि 13 रुपए किलो में चीनी कहां बिक रही है, ये स्मृति ईरानी बताए। तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। और इस वक्त अशोक तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात अजय राय कर रहे हैं। अभी कल ही का दिन है जब कांग्रेस की तरफ से अजय राय को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और आज सुबह ही वो दिल्ली से बनारस आए थे, बनारस से वो दूसरे जनपद में गए, उसके बाद वापस बनारस लौट कर आए हैं। तो अब जो बयान अजय राय की तरफ से दिया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, अमेठी के लोग वहां उनके साथ मौजूद हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की जा रही है। चूंकि बहुत दिनों से ये बात इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो अजय राय के बयान को अगर पार्टी की तरफ से बड़े बयान के तौर पर देखा जाए, अधिकृत बयान के तौर पर देखा जाए, तो यह बात आज पुष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक तरफ अजय राय की तरफ से उनके वहां से चुनाव लड़ने के संकेत दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी पर सीधा हमला अजय राय की तरफ से किया गया है कि उनकी राजनीति या जिस तरह का काम वो अमेठी में कर रही है उससे वो जनता के सामने आ चुका है, किसी से छिपा नहीं है। तो इतना जरूर है कि जिस उम्मीद से कांग्रेस ने अजय राय को यूपी की कमान सौंपी है, और जो कहा जा रहा था कि अजय राय का पूर्वांचल में खासा जनपदों में प्रभाव है, पुराने नेता है, 5 बार के विधायक रहे हैं, तो उनका उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष नियुक्त होना और उसके बाद नियुक्ति के बाद इस तरह का एक बड़ा बयान देना सीधे राहुल गांधी को लेकर, यह संकेत साफ तौर पर दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में न सिर्फ अमेठी में राहुल गांधी की सक्रियता या उनके चुनाव लड़ने की जो की चर्चा हो रही थी उसको बल देती है, बल्कि दूसरी तरफ कांग्रेस आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी का सामना करेगी, इसके भी संकेत साफ मिल रहे हैं कि लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल अशोक, और अशोक इसे किस तरीके से देखा जाए, चूंकि अभी संसद में देखा गया राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी ने कई तरह के आरोप राहुल गांधी पर लगाए, और आज अजय राय जिस तरीके से स्मृति ईरानी को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो ये इसे एक पलटवार के तौर पर भी देखा जाए। और जिस तरीके से अमेठी, चूंकि कांग्रेस की एक परंपरागत सीट रही है, वहां पर स्मृति ईरानी ने जो है पिछली बार वो खड़ी हुई और चुनाव भी जीती, तो इस बार अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो ये तो पूरी तरीके से ये तय है कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे।